નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર ધોરણ નવની અંદર હિન્દી વિષયની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ જેમાં અલગ અલગ પાઠ અને કાવ્યોને લગતા જે કંઈ પ્રશ્ન જવાબ જોતા હોઈએ છીએ જે આવનારી પરીક્ષા માટે પણ તમને ઉપયોગી થતા હોય છે તો એવી જ રીતના ઓગણીસમો પાઠ આવે છે મહાકવિ કાલિદાસ જે પાઠનો પ્રકાશ ગદ્ય આપેલું છે નરપદ બારટ અડવેચા તો આ અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબ છે એમની અંદર ખાસ કરીને નાના પ્રશ્ન જવાબ તરીકે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર હોય છે સ્વાધીના પ્રશ્નોત્તર તો હોતા જ હોય છે પણ સાથે સાથે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર પણ છે આવનારી પરીક્ષાની અંદર પણ પૂછાતા હોય છે તો એવા દરેક હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તરમાં વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નોત્તર પણ જોવાના છીએ તો વિડીયો અંત સુધી જોજો વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો સાથે સ્વાધિયના પણ પ્રશ્ન જવાબ છે એ ન જોયેલા હોય તો એ પણ તમે જોઈ લેજો બરાબર જેથી તમને એમનાથી સ્વાધિના પ્રશ્ન પણ અલગ અલગ પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થશે તો હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તરની આપણે ચર્ચા કરવાની છે આ પાઠને લગતા દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે જોતા જઈએ એમાં વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નોત્તર છે એ પણ આવશે વિભાગ પહેલા હોય છે ગદ્યલક્ષી પ્રશ્નોત્તર એટલે કે પાઠને લગતા જે કંઈ નાના પ્રશ્ન જવાબ છે એ હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર તરીકે જોઈએ પ્રશ્ન પહેલાં હૈ સહી વિકલ્પ ચૂનકર કર રિક્ત સ્થાનો કી પૂર્તિ કીએ પહેલાં વાળા હુનદીનો ખાલી જગ્યા મેં રાજા વિક્રમાદિત્ય કા રાજા રાજ્ય હતા ઉસમે ઉત્તર આવે ઉજયની दूसरा महाकवि कालिदास शुरू से खाली जगह नहीं थे शुरू से विद्वान नहीं थे तीसरा कालिदास के खाली जगह प्रमुख ग्रंथ है तो सात प्रमुख ग्रंथ है चौथा विद्यवत माँ ने खाली जगह में उससे हराने वाले से विवाह करने की घोषणा की थी तो शास्त्रार्थ में उसे हराने वाले से विवाह करने की घोषणा की थी पाँचवा है माँ ने अपनी पांच उंगलियाँ दिखाकर खाली जग्ञा की ओर संकेत किया तो पंच तत्वों की ओर संकेत किया दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित विद्वान विदि विद्वान निम्नलिखित विद्वान है वो सही है या गलत है वो बताना है ठीक है तो पहला है कालिदास शुरू से ही विद्वान थे तो ये वाक्य गलत है शुरू से विद्वान नहीं थे दूसरा है एक उंगली उठाने का अर्थ ईश्वर एक है ऐसा बताया तो ये सही विधान है तीसरा है शास्त्रार्थ में विद्युत जीत गई तो यह गलत विधान है चौथा है कालिदास को माँ जगदम्बा का वरदान मिला था यह भी गलत विधान है काली माँ काली का वरदान मिला था पाँचवा है कालिदास ने संस्कृत के सात ग्रंथों की रचनाएँ की तो ये सही छठा <घ्ष्टाली> है मेघदूत में वर्षा काल और वीरह का वर्णन किया गया है तो यह भी सही विधान <पारी> है, come come है तो सातवाँ <च्छा>, विक्रमादित्य के दरबार में सात रत्न थे तो यह गलत विधान है आठवां है राजा विक्रमादित्य साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार नहीं थे तो यह गलत विधान है तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए पहला वाला है संस्कृत के महाकवि के रूप में हम किसे जानते हैं तो उसमें उत्तर आएगा कालिदास को दूसरा है कालिदास का जन्म स्थान वो कौन सा है तो उसमें उत्तर आएगा उज्जयनी तीसरा है कालिदास युवावस्था में कैसे थे तो युवावस्था में मूर्ख थे चौथा है बाद में कालिदास को किसका वरदान मिला तो उसमें उत्तर आएगा महाकाली का वरदान मिला था प्रश्न नंबर चार है सही वाक्य चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए पहला वाला है महाकवि कालिदास उसमें उत्तर आएगा महाकवि कालिदास बाण से पहले हुए थे तो ये अ वाला ऑप्शन आएगा बाण से पहले हुए थे दूसरा प्रश्न है पंडितों ने मूर्ख युवक को उसमें उत्तर आएगा मूर्ख युवक को अपना गुरु और बहुत बड़ा विद्वान बताया तो उसमें क वाला ऑप्शन आएगा तीसरा है कालिदास विश्वविख्यात है उसमें उत्तर आएगा अपनी उपमाओं के लिए विश्वविख्यात है तो आंसर में क वाला ऑप्शन आएगा प्रश्न नंबर पांचवा है पांच निम्नलिखित प्रश्न के साथ दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए पहला है राजा विक्रमादित्य का राज्य कहाँ था तो उसमें उत्तर आएगा उज्जैनी में था बी ऑप्शन दूसरा है कालिदास किन में प्रवीण हो गए तो उसमें उत्तर आएगा विद्वा विद्याओं में प्रवीण हो गए बी ऑप्शन आएगा तीसरा है अभिज्ञान शांकुलतलम में उसमें उत्तर आएगा सी वाला ऑप्शन राजा दुष्यंत और शंकुतला की कथा है चौथा वाला प्रश्न विक्रमादित्य कौन थे तो उसमें उत्तर आएगा उज्जैन के राजा थे उसमें बी वाला ऑप्शन आएगा पांचवा है, है। मूर्ख युवक का नाम कालिदास क्यों पड़ा तो उसमें उत्तर आएगा सी वाला ऑप्शन माँ काली की कृपा के कारण ये नाम पड़ा उसके बाद विभाग दूसरा था लक्ष्य प्रश्नोत्तर तो सभी व्याकरण लक्ष्य प्रश्नोत्तर भी एग्जाम में आ आ सकते हैं तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा चलो देखते जाते हैं पहला वाला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए तो सभी के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं वो हम देखते जाते हैं अनुरोध का होगा आग्रह निरक्षर का अनपढ़ रोचक का दिलचस्प ग्लानी का दुख एकाएक का अचानक उपासना का पूजा विद्या का शाखा प्रवीण का कुशल अनावृत का खुला हुआ शीघ्र का जल्दी प्रश्न दूसरा निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए तो सभी के विरोधी शब्दों क्या आते हैं देखते जाते हैं अवृत का अनावृत मंद का तीव्र पंडित का मूर्ख निर्माण का विनाश संस्कृत का असंस्कृत निरक्षर का साक्षर प्रश्न नंबर तीसरा निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी लिखिए उसमें सही वर्तनी में देखते हैं कालिदास का लीह और रस्व आएगा कालिदास विक्रमादित्य में वी रस और दी दोनों रस आएगा विक्रमादित्य विद्यो में वी रस आएगा विद्युतमा प्रवीण में वी छ वो दीर्घ आएगा प्रवीण ईश्वर में ई वाला है उसमें रेफ आएगा और स्वस्णाय का आएगा ईश्वर प्रश्न चौथा है निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करके लिखिए तो देखते जाते हैं सभी की संधि उपेक्षा का उप प्लस इक्षा गुरु उपदेश का गुरु प्लस उपदेश विद्युतमा का विद्या प्लस उत्मा उत्तराधिकारी का उत्तर प्लस अधिकारी शास्त्रार्थ का शास्त्र शास्त्र प्लस अर्थ निरक्षर का निश प्लस अक्षर व्याधि का वी प्लस आदि प्रश्न नंबर पांचवा है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भावाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए पहला है संस्कृत साहित्य में कालिदास की विध्यता के अनेक प्रशंसक है तो विध्वता है वो भाववाचक संज्ञा है दूसरा विद्यवतमा अत्यंत ही सुंदर ज्ञानी और गुणी थी इसलिए लोग उसकी प्रशंसा करते थे तो प्रशंसा है वो भाववाचक संज्ञा है तीसरा है समाज में नारी को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है तो सम्मान है वो भाववाचक संज्ञा है चौथा है कालिदास ने बाद में उनके विषयों में प्रावीण्य प्राप्त कर लिया तो प्रावीण्य है वो भाववाचक संज्ञा है छठा प्रश्न निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा बहुचंका लिखिए तो पहला है कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है तो कर्तुवाचक संज्ञा में कवि आएगा दूसरा है राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे तो जानकार है वो कर्तुवाचक संज्ञा है तीसरा है संस्कृत के महान साहित्यकारों में उनका नाम लिया जाता है तो साहित्यकार कर्तुवाचक संघना है चौथा है विद्युतमा के अनेक प्रशंसक उसकी सुंदरता गुण और ज्ञान की प्रशंसा करते थे तो प्रशंसक है वो कर्तुवाचक संघ है प्रश्न नंबर सात में है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए पहला है जिसमें सबका हित समाया हुआ हो उसको कहते हैं सर्वहितकारी दूसरा है विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा उसको कहते हैं शास्त्रार्थ तीसरा है विद्या में जो उत्तम हो उसको कहते विद्युतम चौथा प्रश्न है बच्चों का पारिवारिक रक्षक उसको कहते अभिभावक पांचवा है साहित्य की रचना करने वाला उसको कहते हैं साहित्यकार छठा है देखने लायक उसको कहते हैं दर्शनीय प्रश्न आठवा निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए सभी के उपसर्ग देखते जाते हैं उपलब्ध का होगा उप प्लस लब्ध प्रोत्साहन का होगा प्र प्लस उत्साह उन्नति का होगा नति अत्यंत का होगा अति प्लस अंत अनपढ़ का होगा अनप्लस पढ़ अनावृत का होगा अन प्लस आवृत निरक्षर का होगा निरप्लस अक्षर अक्षर का होगा अ प्लस क्षर उपासना का होगा उप प्लस आसना अभूतपूर्व का होगा अ प्लस भूतपूर्व प्रगति का होगा प्र प्लस गति संस्कृत का होगा सम प्लस स्कृत विख्यात का होगा वी प्लस ख्यात अग्नता का होगा प्लस अपनता विख्याति का होगा वी प्लस ख्याति वरदान का होगा वर प्लस दान असंस्कृत का होगा अ प्लस संस्कृत उपेक्षा का होगा प्लस इक्षा, सुदृढ़ का होगा सु प्लस दृढ़ व्याधि का होगा वी प्लस आदि प्रश्न नौवा निम्नलिखित शब्दों के प्रत्येक पहचान कर लिखिए तो सभी के प्रत्यय कैसे आता है वो देखना होगा देखते हैं ऐतिहासिक का होगा इतिहास प्लस इक भौगोलिक का होगा भूगोल प्लस इक प्रामाणिक का होगा प्रमाण प्लस इत। पंडिताइन का होगा पंडित प्लस आइन मालविका होगा मालविका का होगा मालव प्लस इका प्रेमिका का होगा प्रेम प्लस इका साहित्यक का होगा साहित्य प्लस इक पारिवारिक का होगा परिवार प्लस एक, ऊंचाई का होगा ऊंचा प्लस ई दिलचस्प का होगा दिल प्लस चस्प दर्शनी का होगा दर्शन प्लस का होगा विज्ञान प्लस एक, विद्वान का होगा विद प्लस वन चतुराई का होगा चतुर प्लस आई अग्नता का होगा अग्न ता, पद्मावक का होगा पद्मा प्लस वत प्रसंस प्रशंसक का होगा प्रशंसा प्लस क जानकार का होगा जानना प्लस कार साहित्यकार का होगा साहित्य प्लस कार आवश्यकता का होगा आवश्यक प्लस ता हितकारी का होगा हित प्लस कार और हितकारी तो कार ई तो विद्यार्थी मित्रों आता अलग अलग हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर जमा व्याकरणलक्षी प्रश्नोत्तर आप गए तो लाइक करजो कमेंट करजो साथ जरूर शेर करजो આવા વિડીયો દ્વારા તમારું જ્ઞાન પણ વધતું રહેશે અને આવનારી પરીક્ષા માટે પણ આવા પ્રશ્ન જવાબ ઉપયોગી થતા રહેશે તો ઉપર ચેનલમાં પ્લેલિસ્ટની અંદર જશો ત્યાં તમારા ધોરણ પ્રમાણેના પ્લેલિસ્ટ છે સાથે હિન્દીના પણ ઘણા બધા વિડીયોસ છે સ્ટાન્ડર્ડ નાઇન્થ હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ છે એમની અંદર જશો ત્યાં તમને બીજા કાવ્યના પાઠને લગતા પ્રશ્ન જવાબ જોવા મળશે અને તમારા ધોરણના બીજા પણ વિષયના અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ છે તો એ ન જોઈ લે તો એ પણ જોઈ લેજો જેમાં અલગ અલગ વિડીયોસ તમને આવનારી પરીક્ષા માટે પણ ઉપયોગી થશે તો જુદા જુદા વિડીયોઝ હોવાથી તમારું જ્ઞાન પણ વધતું રહેશે બરાબર છે તો તે ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું ત્યાં સુધી તમારે કાળજી રાખજો થેન્ક યુ વેરી મચ અને ટેક કેર